पंचायत सूजाखेड़ी में लोग नाली की वजह से हो रहे हैं परेशान। घरों में घुसा नालियों का गंदा पानी। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत को अवगत कराया लेकिन पंचायत द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया गया। इस नाली का पानी घरों में अंदर तक भर गया जिसके कारण रहवासी परेशान है। लोगों को हंसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों के आगे भी नाली बनी हुई है लेकिन उसमें कचरा भरा है जिससे सफाई ना होने के कारण स्कूल के आगे कचरा और पानी इकट्ठा हो गया है जिससे कारण बच्चों को परेशानी का सामना तो करना पड़ ही रहा है साथ ही गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत 181 पर भी दर्ज कराई थी लेकिन पंचायत द्वारा ग्रामीणों को महिला फुसला कर शिकायत वापस ले ली गई लेकिन समस्या का निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। इतनी भीषण गर्मी में मच्छरों का प्रकोप भी होता है और नाली का भरा पानी बीमारियों का न्योता भी देता है। इस नाली के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है लेकिन ग्राम पंचायत इस बारे में सुनने को तैयार नहीं। यूं कहें कि अपने कान बंद कर बैठी है। अगर इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नाली में पानी नहीं था, वापिस आया नारदाने में भर भर के आंगन में चना गेहूँ सब पड़े भी भर रहा। लेसन पड़ो तो हम भर रहा, धना पड़ो वो क्या नाली है। नाली से हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, मच्छर खा रहा है, मलेरिया फैल रहा है। और जो साहब हमारे गांव में 5-10 लोगों के लिए लफड़ा की भी बीमारी हो गई और आज हमारे घरों पे जो नाली गंदगी और पुराने के कारण से कितने घरों में पानी भर गया। परेशानी ये नाली की है, नाली है 4 फुट गहरी पहले से, अब तो बिल्कुल ही लेवल में आ गई है। और उगारवे की भी कई तो सरपंच है, कोई से भी 2 साल से कह रहा है कोई सुन नहीं, पहले भी शिकायत कर रही है। शिकायत कहाँ की थी आपने? सरपंच से करी 181 करी। फिर क्या हुआ? हमने कही वापस ले लो शिकायत, हम उगारवा देंगे। कब की बात है ये? वापस ले लो अगले साल। क्या नाम है आपका? बुंदेल सिंह। क्या परेशानी है? साहब जी नाली वाली परेशानी है, इसमें बहुत 4 फुट औड़ी है, अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई है। और हमने पिछले साल भी सरपंच से सेक्रेटरी से बोल दिया था लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई अब हमारा कोई निकाल नहीं निकला। सबसे बड़ी पूरे गांव में इतने मच्छर हैं कि हमारे गांव में कोई अंत का कोई मेहमान भी आता है तो वो भी नहीं रुक पाता है। परेशानी है, नाली गहराई हमारी 4 फुट की है, ये नाली पूरी तरह से चौक हो गई है, जब पिछले 5 साल से उगारी नहीं गई है। इसको ये स्कूल में पूरा पानी जाता है, बच्चे बरसात में बिल्कुल चले जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए और आगे जाके नाली पूरी चौक हो गई। इससे 5-7 घरों में पानी बिल्कुल अभी सुबह बरसा पूरा पानी घरों में गया, जिससे कि पूरे मतलब चना धना गेहूँ में सब में पानी भर गया, बिल्कुल नाली चौक है ये पूरी तरह से। और इस नाली में इतने मच्छर हैं कि अगर लाइट ना हो तो पूरी तरह पूरी रात आदमी सो भी नहीं पाता है। और इससे 17 आदमियों को पिछले 1.5 साल में हमारे गाँव में लकवा ले चुका है, इसमें ये मच्छर पनपा है। तो कभी आप प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, हमारी तरफ हमने सब कुछ करके देख लिया, कोई बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा हमारे। तो आपने सरपंच वगैरह से नहीं बोला? सरपंच साहब से कह के देख लिया, सेक्रेटरी साहब से कह के देख लिया, वो कहते हैं मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मजदूर आ ही नहीं भर रहे हैं। जागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।